महाराष्ट्र के सोलापुर से कांग्रेस सांसद और यूपीए सरकार में गृह मंत्री रह चुके सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे आजकल खूब सुर्खियों में है। हाल के दिनों में जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था तो प्रणीति ने अपने भाषण से राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को अपनी ओर आकर्षित किया था और सभी नेताओं ने उनकी सराहना की थी। और प्रणीति ने अपने पहले भाषण से ही यह दिखा दिया था कि उनके अंदर राजनीति की समझ है और वो कांग्रेस के लिए लंबे समय तक बैटिंग करने मैदान में आई हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र की सोलापुर लोकसभा सीट पर पहली बार किसी महिला सांसद ने जीत दर्ज की। कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़कर प्रणीति शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राम सातपुते को 74,197 वोटों से हराया था। प्रणीति शिंदे ने जीत दर्ज कर अपने पिता और कांग्रेस के इस सीट पर 2014 और 2019 में मिली हार का बदला लिया है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में सोलापुर सीट पर 7 मई को मतदान हुआ था। यहां कुल 49.17% वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। 21 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे थे। चुनावी रण में सोलापुर लोकसभा में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच रहा। कांग्रेस के प्रणीति शिंदे को 6,20,225 तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी राम सातपुते को 5,06,028 वोट मिले। प्रणीति शिंदे सोलापुर लोकसभा सीट से चुनी जाने वाली पहली महिला सांसद हैं। वह इससे पहले सोलापुर सिटी सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक चुनी गई हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक सफर की शुरुआत जय जुई विकास मंच सामाजिक संगठन से की थी। साल 2009 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने पहली बार विधायकी का चुनाव जीता। 2014-2019 में भी चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई। अब उन्होंने लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर अपना स्थान और ऊंचा कर लिया है। इससे पहले प्रणीति को प्रदेश कांग्रेस ने भी कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में अवसर देकर अच्छी ताकत दी है। प्रणीति शिंदे ने मॉनसून सत्र के दौरान मंडी से सांसद कंगना रनौत पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि इनके मुताबिक 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ। कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने कहा कि बीजेपी के लोग जब दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो इनको महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने ही नतमस्तक होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मुताबिक 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ। खैर, आप कितनी भी कोशिश कीजिए लेकिन इस सच्चाई को नहीं टाल सकते कि आज जो भारत चांद पर पहुंचा उसकी नींव इसरो के रूप में पंडित नेहरू ने ही रखी थी। प्रणीति शिंदे ने कहा कि 2014 से बीजेपी अपने झूठे प्रोपेगेंडे की मदद से कांग्रेस की विरासत को मिटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। शिंदे ने मोदी सरकार के बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार और ऐसे वित्त मंत्री से हम क्या उम्मीद करें जो प्याज के बढ़ते दाम के सवाल पर कहती हैं कि दाम बढ़ते हो तो बढ़ने दो, मैं प्याज नहीं खाती। ऐसे में स्कूल कॉलेज की फीस बढ़ती है तो बढ़ने दो, हम शिक्षा नहीं भक्त बढ़ाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी पिछले एक दशक से सत्ता में है लेकिन इनके मुताबिक आज भी हिंदू खतरे में है। क्या यह हकीकत है या फिर बीजेपी हिंदुओं को इस डर में रखकर अपनी राजनीति चमका रही है? आप बताएं, जो संस्कृति हजारों साल गुलामी की जंजीर में जकड़ी पड़ी रहने के बावजूद जिंदा है, वह खतरे में कैसे आ सकती है? प्रणीति ने कहा कि बीजेपी और उनकी नीतियों की वजह से हिंदू खतरे में है। आरक्षण पर बोलते हुए महाराष्ट्र की कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए गए संविधान के बदौलत पिछड़े और दलित वर्गों को आरक्षण के जरिए समाज में स्थान और सम्मान मिला है, लेकिन आज वह आरक्षण भी बीजेपी की नजरों में खटक रहा है। इसलिए सभी सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। मेरी ये सब बातें कहने का तात्पर्य यही है कि समाज की प्रगति सिर्फ मजबूत इकोनॉमी से ही नहीं, समाज की एकता में है और हमें इतिहास में हुई गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। बीजेपी पिछले एक दशक से सत्ता में है पर इनके मुताबिक आज भी हिंदू खतरे में है। क्या ये हकीकत है या फिर बीजेपी हिंदुओं को इस डर में रखकर अपनी राजनीति चमका रही है? आप बताएं, जो संस्कृति हजारों साल गुलामी के जंजीर में जकड़ी पड़ी है रहने के बावजूद जिंदा है, जिंदा ही नहीं सारे विश्व में अपना डंका बजा रही है, वो खतरे में कैसे आ सकती है? पर फिर सोचने पर मुझे महसूस होता है कि बीजेपी और उनकी नीतियां की वजह से हिंदू खतरे में है। एक नदी के बहाव की तरह बहती चली आ रही हमारी हिंदू संस्कृति है, सामने आने वाले हर कट्टरता के पहाड़ों को काटते हुए, हर पत्थर के सेंध लगाते हुए वो बह रही है। उसके बहाव को ना कोई तलवार काट सकती है ना ही कोई पहाड़ रोक सकता है, पर आज दुर्भाग्यवश उसी नदी के बहाव रोककर कट्टरता में ढालने की कोशिश की जा रही है
और मैं समझती हूँ कि यही भारतीय संस्कृति के पतन का कारण बन सकता है। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाए गए संविधान के बदौलत पिछड़े और दलित वर्ग को आरक्षण के जरिए समाज में स्थान और सम्मान मिला, पर आज वह आरक्षण भी इनके नज़रों में खटक रहा है। इसीलिए सभी सरकारी और निम सरकारी कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन करके इनडायरेक्टली आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र बीजेपी कर रही है। स्पीकर सर, इनके मुताबिक गए 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आज़ाद ही 2014 में हुआ। खैर, आप कितनी भी कोशिश कीजिए लेकिन इस सच्चाई को नहीं झटला सकते कि आज जो भारत चांद पर पहुंचा उसकी नींव इसरो के रूप में पंडित नेहरू जी ने रखी थी। 2014 से बीजेपी अपने झूठे प्रोपेगेंडा से कांग्रेस की लेगेसी को मिटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, पर इनकी लाखों नॉन बायोलॉजिकल कोशिश के बावजूद दुनिया इस देश को नेहरू गांधी का देश ही मानेगी। ये दुनिया की किसी भी कोने में जब जाते हैं तो इनको गांधी जी के प्रतिमा के सामने ही नतमस्तक होना पड़ता है। ऐसी सरकार और ऐसे वित्त मंत्री से हम क्या उम्मीद करें जो प्याज के बढ़ते दाम के सवाल पर कहती है कि दाम बढ़ते हो तो बढ़ने दो, मैं प्याज नहीं खाती। स्कूल कॉलेज के फीस बढ़ते तो बढ़ने दो, हम शिक्षा नहीं भक्त बढ़ाते हैं। पर फिर भी जनता की प्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं लोगों के प्रश्न इस सदन में समक्ष पेश करूं। अध्यक्ष महोदय, पंत प्रधान किसान सम्मान योजना के बारे में मैं बोलना चाहती हूं। पंत प्रधान किसान योजना के माध्यम से किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं, 2,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं, 2,000 रुपये दिए जाते हैं लेकिन 18% फर्टिलाइजर्स के सैक पे उनको GST के माध्यम से देना पड़ता है। एक किसान एक साल में कम से कम 1,00,000 के फर्टिलाइजर खरीदता है, तो आप 6,000 रुपये देते हो लेकिन 18,000 उनसे लेते हो। ये किस तरह की नाइंसाफी हुई उस किसान पे? आप मजाक उड़ा रहे हो उस किसान का? 6,000 रुपये देते, 18,000 रुपये GST के माध्यम से लेते हो। जब UPA की सरकार थी तब फर्टिलाइजर्स और हजारों पे से GST एग्जेम्प्ट की गई थी। मेरी मांग है कि 2,000 रुपये के का जो अमाउंट है, जो 6,000 सालाना मिलते हैं, वो बढ़ा के 12,000 किए जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, किसान सम्मान योजना मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीबन 50,000 लोग इस योजना से वंचित है क्योंकि इसको अप्रूवल्स नहीं मिल रहे हैं। जब वो मंत्रालय में जाते हैं और पूछते हैं हमारी योजना को अप्रूवल को क्या हुआ, वो कहते हैं कि दिल्ली जाके पूछो, हमें नहीं पता है। तो किसान योजना, किसान सम्मान योजना का इंटेंशन क्या है? या तो किसानों को फंसाया जा रहा है किसान योजना के माध्यम में से। अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में शोलापुर, सांगली, सातारा, कोल्हापुर में उड़द दाल और अरहर की दाल यहाँ पे उगाई जाती है, लेकिन फसल बीमा योजना मिलती है सिर्फ बाजरा, मक्का और सोयाबीन के लिए। आपके माध्यम से मैं फाइनेंस मिनिस्टर को से गुजारिश करती हूँ कि अरहर और उड़द के लिए भी फसल बीमा योजना के फॉर्म एक्सेप्ट किए चुके हैं, भर दिए हैं, लेकिन फसल बीमा योजना मिल नहीं रही है। अध्यक्ष महोदय, पंत प्रधान आवास योजना, आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा कि एडिशनल 3 करोड़ हाउसेज घर यहाँ पे इंक्रीज करके इस बजट में दे रहे हैं, लेकिन पंत प्रधान आवास योजना का टारगेट अभी तक महाराष्ट्र को नहीं मिला है क्योंकि ये योजना जो है गौठान जमीन पे घर बांधे जाते हैं, लेकिन असलियत ये है कि गाँव में गौठान जमीन है ही नहीं। जब कलेक्टर के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि गौठान जमीन नहीं है, गायरान जमीन ढूंढ के लाओ, हम आपको PM आवास योजना देंगे। अभी गौठान जमीन लाएंगे कहाँ से? तो आपके माध्यम में से मैं फाइनेंस मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारे कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को आदेश दे कि जितनी भी गौठान जमीनें हैं गाँव में उनको गौठान करके पंत प्रधान आवास योजना लोगों को लागू की जाए और सारे जो पेंडिंग प्रपोजल्स हैं वो एक्सेप्ट किए जाए। और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि 1,40,000 रुपये इस योजना के लिए मिलते हैं, ये बहुत तुटपुंजी है, इसके लिए 2,50,000
दिए जाए पंत प्रधान आवास योजना के लिए। अध्यक्ष महोदय, मुद्रा लोन 2014 में फाइनेंस प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अम्बिशियसली मुद्रा लोन की घोषणा की थी। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी जो राशि है 10 लाख से लेके 20 लाख की, लेकिन मुद्रा लोन उस पीरियड में उन्हीं लोगों को मिले जिनकी सिफारिश ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की थी, जबकि सामान्य आदमी जो है, आम आदमी जो है, उसको ये लोन नहीं मिला था। सिर्फ कुछ चंद लोगों को ये लोन दिया गया था। मेरी ये मांग है कि कोरोना के टाइम पे जो लाभार्थी मुद्रा लोन का कर्ज फेर नहीं पाए, उनके लिए जैसे अपने अदानी अंबानी के लिए कर्जा माफ किया है, वैसे इन लाभार्थियों के लिए भी कर्जा माफ किया जाए, तुरंत माफ किया जाए मुद्रा लोन का जो परत फेर करने का कर्जा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माइक्रो फाइनेंस और चिट फंड्स जो दिए जाते हैं हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, बीडी कामगारों को, पावर लूम वर्कर्स को दिए जाते हैं, हमारी काफ़ी सारी महिलाओं को दिए जाते हैं, लेकिन ये माइक्रो फाइनेंस और चिट फंड्स पे के ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती है, इसीलिए ये बेहिसाब इंटरेस्ट इन लोगों से, गरीब लोगों से लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि कल के बजट के स्पीच में हमारी अन्न धान्य सुरक्षा योजना जो है, अन्न सुरक्षा योजना जो यूपीए सरकार ने लाई थी, उसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई जिक्र नहीं किया। पिछले 10 साल से हमारे देश का जो गरीब है उसको, एपीएल कार्ड धारक को अन्न धान्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। 10 साल से करोड़ों लोग इस योजना से वंचित रह रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, और जैसे शैलजा जी ने कहा था, कुपोषण का प्रमाण जो है हमारी देश में बढ़ रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर, और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।